बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम मोहम्मद सोहेब सैयद और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। एवेन्यू मार्केटिंग पाकिस्तान रियल इस्टेट सेक्टर का एक ऐसा इदारा जो पिछले कई सालों से अपने पाकिस्तानियों की रहनुमाई में मसरूफ़ है। हम आपको बेहतरीन प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स भी देते हैं और उन डिटेल्स के साथ साथ जो उनकी फर्दर अपडेट्स होती हैं वो भी आप लोगों तक बखूबी पहुँचाते रहते हैं। व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो भी एक प्रोजेक्ट जो कि हमारा चल रहा है, पहले का मेरी कई वीडियोज़ उसके ऊपर मौजूद हैं, उसके हवाले से एक अपडेट है जो कि आप लोगों तक पहुंचानी है। प्रोजेक्ट है गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद। आप लोगों को मेरी पिछली वीडियोस के लिंक्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे उसके प्रोजेक्ट के की डिटेल्स के हवाले से। इस वक्त जो है वो एक नई अपडेट है जो आप लोगों तक पहुंचानी है। अपडेट बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली भी तमाम वीडियोज़ आप लोगों तक बआसानी पहुँच सकें। व्यूअर्स, अपडेट ये है के गुलबर्ग ग्रीन्स का के अंदर जो है वो एजीएम होने जा रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग, और एनुअल जनरल मीटिंग का जो एजेंडा है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने इंक्लूड की हैं, जिसमें प्रोजेक्ट की जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन है जो कि वहाँ पे बताई जाएगी, जो कि 2022-23 के दरमियान हुई, और दूसरा ये कि जो एक्सपेंसेस जो क्या कहते हैं ऑडिट है उसके हवाले से वहाँ पर बात होगी। इसके अलावा जो जिन ब्लॉक्स की डेवलपमेंट हो चुकी है उनके हवाले से बताया जाएगा, जिन ब्लॉक्स की डेवलपमेंट होने जा रही है अब 2024 के अंदर उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। दूसरा, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो जो सबसे अच्छी चीज़ है जो कि ख़ास तौर पे हमारे जो क्लाइंट्स हैं एवेन्यू मार्केटिंग के, जिन्होंने अभी रिसेंटली वहाँ पर बुकिंग्स करवाई हैं एग्जेक्टिव 2, एग्जेक्टिव प्रीमियम, एफ एग्जेक्टिव और ई एग्जेक्टिव ब्लॉक्स के अंदर, उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो इन ब्लॉक्स की बैलेटिंग है उसके हवाले से अनाउंसमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है इस क्या कहते हैं एजीएम के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके हवाले से जो डेवलपमेंट के स्टेटस है प्रोजेक्ट का वो भी बताया जाएगा। फिर कुछ पुराने एजेंडाज हैं जिसमें पुराने एजीएम्स के अंदर उन्होंने बताया था कि कहाँ पर जो है वो उन्होंने लैंड परचेज की है, कहाँ पर उन्होंने जो है वो लेआउट प्लान के अंदर चेंजेस किए हैं सीडीए के साथ, वो तमाम चीज़ें भी इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी। और कुछ ड्रीम हाइट्स के हवाले से चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ जो है वो नई डेवलपमेंट्स जो हैं उसके हवाले से चीज़ें बताई जाएंगी। तो इस एजीएम के अंदर जो कि 15 जनवरी 2024 को होने जा रही है, जो कि जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो शायद हो सकता है कि 8-10 दिन ही बाकी हों सिर्फ, तो इसके अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ें ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं 15 जनवरी को वहाँ पर ये एजीएम होने के बाद आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और एक अच्छी खबर ये है कि जो जिन लोगों ने हमारे साथ बुकिंग न्यू बुकिंग्स की थी एग्जेक्टिव 2, एग्जेक्टिव प्रीमियम और एफ एग्जेक्टिव के अंदर, उन लोगों के लिए ये अच्छी खबर है कि बैलेटिंग जो है वो इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगी, और बैलेटिंग हो जाएगी तो फिर प्लॉट नंबर्स वगैरह अलॉट हो जाएंगे, और जिन लोगों के पास प्लॉट नंबर्स हैं इंशाल्लाह उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करना शुरू करेगी। आप लोगों को पता होगा कि इस वक्त मुल्क के हालात की वजह से रियल इस्टेट सेक्टर बहुत ज़्यादा दुश्वारी का शिकार है। पिछले 1-1.5 साल से, बल्कि शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा अरसा हो गया होगा, रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली उन इलेक्शंस के बाद जो है वो रियल इस्टेट सेक्टर भी ग्रो करना शुरू करेगा और उसके अंदर जो है वो कुछ बेहतरी आना शुरू होगी। तो इस वक्त जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली है गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद के अंदर, वो तो इंशाल्लाह होंगे ही फ़ायदे में, लेकिन इलेक्शन के बाद जब रियल इस्टेट सेक्टर ग्रो करेगा तो गुलबर्ग ग्रीन्स एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, एक अच्छा लाइफ स्टाइल है वहाँ पर। तो वहाँ पे जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए होंगे, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की होंगी, वो इंशाल्लाह अच्छा ग्रो करेंगी। और आने वाले दिनों में गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर बहुत तेज़ी से नई डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं जो कि इस वक्त भी कंटिन्यूसली जारी हैं। 2023 के अंदर अच्छी खासी डेवलपमेंट उन्होंने की है, और 2024 के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनके पोजीशंस भी अनाउंस होने जा रहे हैं। तो ये तो ऑब्वियसली पता उस वक्त चलेगा जब 2024 के जनवरी 15 को एजीएम होगी और उसके अंदर तमाम फैसले होंगे, लेकिन ये कि ये एक्सपेक्टेड हैं सारी चीज़ें, और इंशाल्लाह अच्छी खबरें और अच्छी
जो है वो चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी AGM होने के बाद। तो इंशाल्लाह जैसे ये AGM हो जाती है तो फिर उसके बाद भी मैं आप लोगों को जो डिसीजंस हुए होंगे, जो चीज़ें हुई होंगी, वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद के अंदर प्लॉट बुक करवाना चाहते हैं या कोई सेल परचेज करना चाहते हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक दफ़ा फिर आप लोगों से कहूँगा कि एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को बखूबी पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद सोहेब सैयद और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।